हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, आज है 7 अप्रैल 2024 और ये शाम का टाइम है जब मैं वीडियो बना रही हूं। 7:30 बज गए हैं और आज हमारी सांगला वैली में बारिश और बर्फ दोनों हो रही है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी जैकेट में अगर थोड़ी बहुत गिर गई हो, ये देखिए वाइट कलर की। तो बर्फबारी भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, एकदम ठंड हो गई है। तो इस ठंड में इतनी मोटी जैकेट मैंने पहन लिया और ये जैकेट पहन के मैं दुकान में कैसे पहुंची हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बोलने का मतलब, मैं दिन से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी लेकिन स्पीच नहीं दी थी ब्लॉग में, तो इसलिए मैंने सोचा स्पीच अभी दे देती हूँ शाम की और लाइव आप लोगों को स्नोफॉल भी दिखा देती हूँ कि हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है। अभी 7 अप्रैल हो गया है लेकिन स्नोफॉल होनी अभी बंद नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे, चली है। जब भी बारिश मौसम ख़राब होता है तो स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, तो यही खास बात है हमारी सांगला वैली की। तो इसीलिए मुझे भी पसंद है और आप लोगों को भी पसंद है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और देखिए आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है खास। तो फ्रेंड्स, ये है लंच टाइम और खेत में ले जाने के लिए बन रहा है साग सरसों का। तो जी, फाइनली साग तो काट दिया मोटा मोटा, अब इसको कुकर में चढ़ा दूंगी मैं फटाफट से। हमारे खेतों में क्या काम किया जा रहा है वो भी आप लोगों को बताती हूँ कि जो हमारे एप्पल के पेड़ है उनमें ग्राफ्टिंग की जा रही है, यानी कलमें लगाई जा रही है हाईब्रिड के सेबों की। जैसे कि हमारे सेबों में स्पार्ट रॉयल सबसे अच्छा होता है, तो स्पार्ट रॉयल की कलमें आज वो की जा रही है और आने वाले टाइम पे हमारे स्पार्ट रॉयल ही स्पार्ट रॉयल होंगे, जो हमारी सांगला वैली का सबसे कॉस्टली एप्पल है और स्ट्रॉन्ग और जूसी क्रिस्पी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वही कलमें अभी लगाई जा रही हैं, दूसरे एप्पल से निकाल के फिर उनको हम सोच रहे हैं कि सारे पेड़ों में वही कलमें लगा दी जाए। कुछ एक जो दूसरी कलमें रखेंगे, इनकी कुछ एक दूसरे पेड़ भी रखेंगे, जैसे कि गोल्डन होते हैं, रेड गोल्डन होते हैं, बाकी ज़्यादातर स्पार्ट रॉयल के ही हम लोग कलमे करेंगे अपने एप्पल के पेड़ों में। और अभी ये खाना बनाने की तैयारी हो, तो आज संडे का फायदा लिया जा रहा है, गिन्नी का भी। गिन्नी गई है दुकान में, क्योंकि संडे का क्या, गिन्नी का तो हर दिन संडे ही है, वैसे आजकल छुट्टियां हैं गिन्नी की और छुट्टियां खत्म भी होने वाली है, तो उसको अब दूसरे स्कूल में भी शिफ्ट करना है। तो 10th तक की थी उसकी सांगला की जो स्टडी थी, इसके बाद उसको अब दूसरे स्कूल में ले जाना है। हम लोग स्कूल देखने गए थे पिछली बार, आप लोगों को बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में जब मम्मी के पास थे, तो हमीरपुर में हम लोग स्कूल देखने के लिए गए थे, तो वहीं का ही सोचा हुआ है उसको स्कूल में कि वहीं लगाते हैं इस बार, और वही तैयारियाँ चली हुई बस। आज संडे है, शायद उसको कल हम लोग स्कूल ले जाएँ क्योंकि उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई है, 9 तारीख से उसके स्कूल लगने हैं। और मौसम बताऊं तो आज बादल और धूप दोनों ही हैं, काफ़ी सुबह काफ़ी ठीक था लेकिन अभी थोड़े बादल हो गए, ठंडा हो गया। अभी सांगला वैली का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा। और साथ में मिला देती हूँ अपनी ज्ञानराज दीदी से। नमस्ते दोचे। नमस्ते। ये देखो पहुँच गए ताता पानी से, और ताता पानी से आने के बाद तो मिलाया नहीं आप लोगों को, ठीक है? बढ़िया ठंड है ना, हाँ सांगला में ठंड है, ताता पानी में गर्मी थी। ये देखिए जी, आप लोग देख सकते हैं बादल और धूप दोनों हैं, कहीं कहीं घने बादल है तो कहीं कहीं धूप है, और सामने का व्यू पहाड़ियों पे बर्फबारी बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये घर का आंगन है, घर के आंगन में बना हुआ शिव जी भगवान जी का मंदिर, जो मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ। और इसके साथ साथ हमारे माता जी वगैरह भी पहुँच गए हैं ताता पानी से, हो गए इनको 2-3 दिन हो गए इनको आए हुए, और माताजी अभी धूप में बैठे हैं, लेकिन धूप ही नहीं आज यहाँ पे, इतना ठंडा मौसम है। और साथ में मैं धो रही हूँ कपड़े भी, काफ़ी अच्छे हो गए हमारे माताजी, ये देखिए पहले से काफ़ी तबीयत सुधार हो गई है ना माताजी? पानी पी रहे, पियो पानी। तो माताजी अभी कमरे में ही बैठेंगे, वैसे हॉल में बैठेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे ही थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखने के लिए सुबह, पर मौसम थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, धूप नहीं लग रही आज ढंग से यहाँ पे। तो जी मेरे कपड़े भी अब लास्ट ये, इनको धो के मैं फटाफट से सुखा दूँगी, और लास्ट एक मेरे हस्बैंड की जैकेट है, तो इनको धोने के बाद अब मैं खाना बना दूँगी फटाफट। और जो साग मैंने बॉयल किया था थोड़ी देर पहले वो पक चुका है, पलाच वाला साग यानी चावल वाला साग, तो इसको अब तड़का लगाने की तैयारी हो रही है। और मेरे कैमरे में ना भाप आ रहा था इसका, साग का, तो मैं इसको साफ़ कर रही थी कैमरे को आगे से, तो ये बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया है साग, और अब मैं तड़का करूँगी, साथ में रोटियाँ बनाने की तैयारी भी हो रही है। वॉइस ओवर तब कर रही हूँ क्योंकि माता जी भी पांठक में रेस्ट कर रहे थे, ये देखिए बाहर ठंड थी तो माता जी अंदर आके सो गए थे, तो ये देखिए जी चपातियाँ भी बन रही है और साग को तड़का भी बन रहा है। तो तड़के में इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें मैं डाल रही हूँ क्योंकि जो हमारे ग्राफ्टिंग करने वाले आए हैं
वो थोड़ा चटपटा खाते हैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं बिल्कुल सिंपल खाना, उनको बिल्कुल भी ऐसा स्पाइसी नहीं चाहिए होता है, इसलिए मैं साबुत मिर्च डाल रही हूँ ताकि दोनों का फायदा हो। जी फाइनली खाना हो गया पैक और चलिए अब मैं खेतों में अपने स्वामी जी को खाना लेके। तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से फ्री हो पाई, गिन्नी को ना दुकान में दे के आ गई मैं, इस तरफ से वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। और ऊपर जाके अब आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मैंने बनाया है सरसों का साग और गेहूँ की रोटी। मक्की का आटा तो था ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मक्की की रोटी बहुत कम खाते हैं, और बाकी यहाँ की जो किनौरी मुख्य अनाज होते हैं फाफड़ा ओगला वो ज़्यादा खाते हैं। तो चलती हूँ, पहुँच गई हूँ हमारे केसर वाले खेत के पास, जाते जाते थोड़ा सा दर्शन करवा देती हूँ केसर के। ये देखिए जी, ये है केसर का खेत, हरियाली हरियाली दिख रही होनी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी। और दिन ब दिन अब एप्पल के पेड़ों में ना फ्लावरिंग के अंकुर आने शुरू हो गए हैं, और जो चुल्ली वगैरह है उनमें तो फ्लावरिंग पूरी तरह से हो चुकी है, कुछ एक ही है जिनमें नहीं हुई है, बाकी हो चुकी है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, सॉरी करती हूँ, वीडियो जल्दी में बना रही हूँ, टाइम नहीं है रुकने का। तो आके मुझे कपड़े और धोने के, वो भी धोने हैं, और साथ में दुकान जाना और गिन्नी को भी छुट्टी देनी है, क्योंकि ना गिन्नी का ना आज लास्ट दिन है सांगला में, उसके बाद फिर उसका हमीरपुर में ही हो गए सारे दिन। तो मौसम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, सुबह तो धूप लगी हुई थी, अभी दिन को ख़राब हो गया है। तो गिन्नी की पैकिंग करनी अभी बाकी है, बहुत सा काम है, आज संडे को तो ना भाई बता नहीं सकती, इतना बिजी कि पूछो मत। और रास्ते से आगे जाते हुए हमारी नेपाल कंट्री की बहनें, कहाँ ले जा रहे गोबर, किस थापा किसका है? अच्छा तो मेरे को पास दे दो, मैं जरा स्पीड में दौड़ रही हूँ। तो ये है हमारा खल्डरिंग वाला रास्ता जहाँ से मैं जा रही हूँ, चढ़िए चढ़ाइए चढ़ी जाए पगता खेत खल्डरिंग द आया। तो जी फाइनली बहुत दौड़ धूप के बाद पहुँच गई, थक गई बात भी नहीं की जाए, एक बार फिर अपने खल्डरिंग वाले ऑर्चर्ड में। तो ये देखिए, और बुलाती हूँ अब। तो जी फाइनली पहुंच गई हूँ मैं फिर से एक बार हमारे खल्डरिंग वाले ऑर्चर्ड में, और ये देखिए अभी कलमों का काम चला ही हुआ है। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई जी। गुड आफ्टरनून जी। तो हमारे चेतन भाई, चेतन ही ना, हाँ मैं भूल जाती हूँ आपका नाम। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं बहुत सी ग्राफ्टिंग कर चुके हैं और पहुँच ही रहे नीचे 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 तक। तो इसकी जो फुल वीडियो है वो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताई है, आप लोगों को वहीं पे देखनी पड़ेगी ग्राफ्टिंग वाली वीडियो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, एप्पल की जानकारी ले सकते हो कि किस तरह से ये ग्राफ्टिंग हुई है। जैन जी खऊ जामू जैन किन प्रिय वो खऊ लिखिस करो। क्या बोलना मैंने गलत बोल दिया है, ठीक बोला? हाँ तो ठीक ही है। तो ये है जी हमारा स्टोर, अब जो खेतों में खाने का मजा है ना वो घर पे नहीं है भाई, सच में बैठो। तो ये देखिए जी बिलासपुरी आम का अचार और किन्नौर की सरसों की, सरसों का साग और गेहूं की रोटी, ऐसा लाया मैंने बना के आज, बढ़िया है ना। चलो फिर परोसती हूँ। तो जी खाना देने के बाद अब मैं जा रही हूँ वापिस घर, क्योंकि मुझे है काम, मेरे हस्बैंड और वो भाई साहब बाद में आएंगे पूरा काम ख़त्म करके। तो अब बगीचों के अंदर से ही छलांगे लगाते हुए पहुंचती हूँ घर। तो जी अब जाके फ्री हुई मैं घर के पूरे काम से, और अब आ गई हूँ गिन्नी को छुट्टी देने के लिए, जो सुबह से बेचारी बैठी हुई यहाँ पे, खाना भी दुकान में ही खाया इसने। ये देखो गुड आफ्टरनून, मजे कर रही है वैसे, ऐसा नहीं है। फिर बेटा करो तैयारी अपनी कल के जाने की। यहाँ पे ये हलवा दिया। क्या है हलवा, किसने दिया? अच्छा तो यहाँ हलवा भी आ गया है, कर ले फिर तो तैयारी बेटा, है ना, बैग रखा हुआ ना मैंने। मैं सोने जा रही हूँ।
सकते हो ना गिर जाए। सोना है। बाय बाय, फिर गुड नाइट, सो जा, फिर थोड़ी देर बाद में करना, शाम को जैसे, है ना। तो फ्रेंड्स, गिन्नी को तो भेज दिया मैंने घर नहाने के लिए, क्योंकि सुबह से बैठी थी, लंच टाइम तक नहाई भी नहीं थी। तो मौसम दिखाऊं तो एकदम धुआंधार वादियाँ हो गई है किन्नर कैलाश की, ये देखिए, और बारिश लग गई, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, ये देखो, चट 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 की आवाज़ आ रही है, मेरी जैकेट में आ रही है ना। तो मौसम हो गया, आधे दिन तक मौसम ठीक रहा, और अब आधे दिन शाम का ये मौसम ना बारिश से अब घिरने वाला है। तो ये देखिए, आंगन में भी आप लोग देख सकते हैं छत लग गया टपकने नीचे, और मेरे कस्टमर आ गए शायद। आ जाओ जल्दी से, ठंड हो गई बहुत। आज मैंने चिप्स भी बाहर नहीं निकाले हैं, गिन्नी तो सिर्फ बैठने का ही काम करती है, आके चिप्स वगैरह कुछ बाहर नहीं निकाला। अब तो निकालूंगी भी नहीं, मरने दो, कुछ नहीं होता नहीं है, आज संडे है वैसे भी। तो जी, अब बज गए हैं शाम के 4 और हो गया है टी टाइम, क्योंकि मौसम खराब है, ठंड इतनी हो गई है कि चाय पीने का मन ऑटोमेटिकली बन रहा है, तो चाय उबल रही है गर्मा गर्म। तो मैंने सोचा गिन्नी को भी दे के आती हूँ, और गिन्नी ना आज लास्ट ही दिन में यहाँ पे चाय पिएगी मेरे हाथ से दुकान की, नहीं तो हमेशा पीती थी वो जब भी स्कूल से आती थी, अब इसके बाद हमीरपुर की चाय पिएगी वो। वैसे तो चाय पीना अच्छी बात नहीं है, नहीं पिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी आज यहाँ पर ठंड है ना, हमारे सर्दियाँ हैं तो ठंडी है यहाँ पर, अभी 12 महीने लगी रहती है ठंड, तो मुझे ना गिन्नी की भी बहुत याद आएगी अब, क्या करूं। तो जी, ये देखिए, जा रही हूँ मैं गिन्नी को चाय और बंद लेके, गिन्नी का फेवरेट बंद चाय के साथ खाने का। तो पहुँच ही गई हूँ गेट के पास, और देती हूँ उसको फटाफट, ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे पहनना पड़ा अपना मोटा वाला जैकेट जो मैं बर्फबारी में पहनती हूँ। और यहाँ देखो हीटर लग गया है भाई, अप्रैल महीने में भी हमारे हीटर चले, और बाहर देखो मौसम ठंड। और इसके साथ ही आप लोगों को बताऊं कि छितकुल और रक्षम से ना गाड़ियों में भर भर के बर्फ आ रही है, वहाँ पे हो गई है स्नोफॉल स्टार्ट। तो ऐसा मौसम हो गया आज 7 अप्रैल शाम का ये मौसम, तो देखते हैं अब शाम तक क्या होता है, बंद हो जाती है बारिश की नहीं होती। मेरे लिए तो वैसे फ़ायदेमंद ही है बारिश, क्योंकि यहाँ पे ना धूल ज़्यादा उड़ती थी, तो ये धूल बैठ गई है, रोड की धूल, कम से कम ये चीज़ का फ़ायदा हो गया है। गिन्नी ढूंढ रही है पास फोटो, इसको अपने पास फोटो नहीं मिल रहे। गिन्नी के ना आज पास फोटो ढूंढे जा रहे हैं, ये देखिए, देखिए इसके बचपन की पुत्री, देखिए आप लोग पहले कितनी प्यारी है, बचपन की पुत्री कहाँ देख रही होनी, पता नहीं कहाँ देख रही है, आज इतनी बड़ी हो गई है पुत्री, यहाँ देखो कितनी बड़ी हो गई, और पास फोटो वहाँ ढूंढ रही है, लेकिन पास फोटो यहाँ पे है इसके, ये देखो। और इसके साथ साथ गिन्नी की अब अलमारियाँ खाली कर दी जाएगी कपड़ों की, और कपड़े पैक कर दिए जाएंगे, और यहाँ पे जी बैग। गिन्नी ये वाली पैंट छोटी है तेरे को, ये वाली यहाँ देख है, और ये वाली ये भी छोटी है, छोटी नहीं है, नहीं करने वाले। अच्छा, तो जी पहुँच गए घर, दुकान से घर, और यहाँ पे चली अभी तैयारियाँ बहुत ज़्यादा, कोई सर्टिफिकेट देखे जा रहे हैं, कोई पास फोटो देखे जा रहे हैं, क्योंकि अब गिन्नी की एडमिशन दूसरे स्कूल में होनी है, और उसके साथ साथ अभी गिन्नी का यहाँ पे बैग, कपड़े तो निकाल दिए गए हैं, तो बैग अभी पैक करने का है, ये देखिए, ये देखिए, और निकाल लेते हैं, कर लेते हैं तैयारी, और उसके बाद करते हैं डिनर, पहले पूरा सेटिस्फाई हो जाए काम से, उसके बाद फिर तसल्ली बख्श डिनर करेंगे, नहीं तो बहुत अभी टेंशन होती है, जैसे कुछ सामान पैकिंग करना हो, और क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, बहुत सामान। तो गिन्नी के लिए कॉपियां तो मैं अपनी ही दुकान से ले जा रही हूँ, बाकी बुक्स वहीं से देखेंगे, ऐसे मतलब बहुत सा सामान हम लोग यहीं से ले जा रहे हैं, जितना भी बन पड़ता है हम अपने शॉप से ही ले जा रहे हैं जो भी है, तो बाकी जो नहीं होगा वो वहाँ पे ले लेंगे। तो कर लेते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त, तैयारियाँ चली हुई है अभी यहाँ पे, जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।